हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद योर सौरभ। फ्रेंड्स, आज के एमएस एक्सेल के इस चैप्टर हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी सीट है और उसमें से हमसे पूछ लिया जाए कि किसी पर्टिकुलर सेल का रो नंबर क्या है या उसका कॉलम नंबर क्या है, तो वो हम कैसे जानेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो स्किप मत करिएगा। आज की वीडियो बहुत ही जानकारी वाली होने वाली है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे एक ही डाटा है। अब इसमें से अगर हमसे कोई कोई भी कर्सर यहाँ पे रख दे और हमसे बोले कि आप इस जो सेल में जिसमें हमारा कर्सर अभी है, आप इसका हमें रो नंबर बताओ या इसका कॉलम नंबर बताओ कौन सा है, तो वो हम कैसे जानेंगे। अगर आपके पास एक छोटा सा डाटा तो आप ऐसे काउंट करके बता दो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने बता दिया, लेकिन बहुत बड़ी सेल है, अगर बहुत बड़ा आपके पास डाटा है तो उसमें से आप उसको कैसे चेक करोगे। तो उसके लिए देखिए, आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कॉलम पहले चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, इक्वल, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉलम का। देखिए यहाँ पे कॉलम और कॉलम्स आ रहा है, तो अभी हम कॉलम पे क्लिक करते हैं। ये हमने कॉलम पे क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए अंदर कह रहा है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में हमने उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसका हमसे क्वेश्चन किया गया है। सपोज करिए हमसे इस सेल के बारे में पूछा गया, तो हमने सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। आप देखिए जैसे हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, यहाँ पे लिख के आ गया 7। अब ये जो सेल है, अब इसको एक बार काउंट कर लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 7 नंबर कॉलम में ये सेल आपका है। अब ये तो हो गया जब हमने यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दिया। बाई चांस मान लीजिए कि हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर नहीं देते हैं, ओके, अगर हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर नहीं देते हैं और ब्रैकेट को ऐसे ही क्लोज कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में ये हमारा फॉर्मूला जिस सेल में हम इसको सर्च कर रहे हैं, जिस सेल में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसी सेल का कॉलम नंबर हमें यहाँ पे शो कर देगा। ओके, ये तो हो गया किसी डाटा का कॉलम नंबर। अगर किसी सेल का हमें चेक करना है तो वो कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, रो का चेक करना। तो चलिए यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टाइप करेंगे, यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, रो टाइप करेंगे। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ से वापस हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमसे पूछा गया, और चलिए यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है 11। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, हमने जो सर्च किया था वो 11 नंबर पे आ रहा है कि नहीं। इसको आप ऊपर लेके काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11 पे देखिए 45 आ गया। ये हो गया हमारा रो नंबर चेक करना। इसमें भी सेम थिंग है कि अगर आप इसमें कोई रेफरेंस नंबर नहीं देके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो ये आपके पूरे टेबल में, पूरे सीट में, जहां पे भी आपका सेल होगा, जिस भी सेल में आपने फॉर्मूला लगाया, ये उस पर्टिकुलर सेल का आपको रो नंबर यहाँ पर शो कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के अंदर किसी भी सेल का कॉलम या रो नंबर चेक करने का तरीका। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल पर बने रहे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।